और आरक्षण खत्म होने की बात, तो आरक्षण तो खत्म होना चाहिए सर। संविधान पढ़िए, संविधान में आरक्षण के ऊपर 10 साल का अल्टीमेटम था कि ये नीची जातियाँ हैं, ये शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट, इन्हें 10 साल के आरक्षण दिया जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे कहा कि 10 साल में क्या होगा, 10 साल ही 30 साल कीजिए। तो 30 साल यानी कि 1977 में आरक्षण नाम की बीमारी हमारे देश से खत्म हो जानी चाहिए थी, खत्म हो जानी चाहिए थी। और आज 78 साल बाद भी आरक्षण पे राजनीति हो रही है, है? गरीब और अमीर के बीच में खाई पाटने की कोशिश की जा रही है, गरीबी पे है अभी ये आरक्षण हो। मेरे हिसाब से आरक्षण सिर्फ 3 ही बंदों पे होना चाहिए, चौथे पे नहीं। इन पर पहला गरीब इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा एक सैनिक की विधवा, एक सैनिक की विधवा और उस सैनिक के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरा, और तीसरा बेसहारा बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, है? जो बेसहारा हैं, बेघर हैं बच्चे, ये नहीं कि जवान जवान है बेसहारा है मुझे आरक्षण चाहिए, उन्हें आरक्षण नहीं, जो बेसहारा बच्चे हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। इन 3 नीतियों के अलावा आरक्षण किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। सहमत है क्या? बहुत 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 अच्छी बात बोला इन्होंने, लेकिन नेताओं के गले नहीं रूप से, नेताओं के गले नहीं उतरेगा ये बात। एक मिनट सर, आर्थिक रूप से गरीबी हर बिरादरी में है, हर बिरादरी में कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कोई ना कोई बीमार कमजोर है, तो वो आरक्षण जातियों के नाम से नहीं, आरक्षण होना चाहिए सर्कुलेशन के हिसाब से। अब तो जनरल, जनरल में भी EW ऐसा गया, चाहे जनरल हो चाहे OBC हो चाहे ST हो, चाहे जनरल में भी अब EW ऐसा गया। अब तो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 1% मिल रहा है ना, लागू हो गया है, हो गया, मिल रहा है, अभी नहीं हुआ, मिल रहा है सर। मेरा कहना जो है आरक्षण, मैंने तीन चीजें बताई ना, इन तीनों के अलावा चौथे किसी बंदे को आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार 1977 में आरक्षण नाम की बीमारी हमारे हिंदुस्तान से खत्म हो जानी चाहिए थी। और आज 77 के भी और 60 साल बीत जाने के बाद भी आरक्षण और बीमारी बढ़ रही है, घट नहीं रही। ये बताइए तो भाजपा है, भाजपा खत्म कर दे फिर, भाजपा रखी है ना अभी तो, अगर भाजपा खत्म कर दे है तो ये भाजपा को वैसे जीने नहीं देंगे। खत्म कौन करेगा फिर, अभी तो मजबूर हो चुकी है, तो खत्म कौन करेगा फिर? मैंने क्या कहा, खत्म तो नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण का ये लॉलीपॉप और ये बीमारी आज हर बिरादरी में फैल चुकी है। और अभी अब ये कांग्रेस जातिवाद की जनगणना करना चाह रही है। एक बात बताइए, दादी कहती थी जात पे ना पात पे वोट लगेगी, हाथ पे है, और पोता कह रहा है जातिगत जनगणना कराओ, सबको जातियों में बांट दो। अब एक बात आइए, इन्होंने कहा जिसकी ज्यादा भागीदारी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी, और मैं कह रहा हूँ जिसकी ज्यादा भागीदारी उसकी ज्यादा गुंडागर्दी। कैसे कैसे यार सर, सीधी सी बात है, आपको पता है कि आपकी बिरादरी हिंदुस्तान में 70% है, तो आप अपना राज कायम करना चाहोगे ना, कौन नहीं करना चाहेगा, जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी है उसकी ज्यादा गुंडागर्दी, यही होगा। संविधान भी तो है देश के अंदर में। अरे संविधान को चला कौन, संविधान के मान कौन रहा है, संविधान के माने किसने है? संविधान का कत्ल करने वाली सबसे पहले इंदिरा गांधी थी 1975 में, है? फिर कांग्रेसी ये वक्फ बोर्ड लाके है संविधान की हत्या की, और उसके अलावा भी कई बार हो चुकी है संविधान की हत्या। तो सबसे ज्यादा संविधान का हत्या और संविधान का नाश करने वाली कांग्रेस से बड़ा कौन है? और बचा कौन रही है, है? और बचा कौन रही है, बचा रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी कानून की देवी हैं, उनके माथे से, उनके कानों से, आंखों से पट्टी हट चुकी, पट्टी हट चुकी है, हाथ में से तलवार हट चुकी है, और तलवार की जगह संविधान आ गया है, तलवार की जगह संविधान आ गया है, तो संविधान को बचाने का इससे बड़ा उसके ऊपर भी तो विवाद हो रहा है। अरे तो होने दो ना। एक बात बताइए सर, मुझे आपसे चिढ़ है, ठीक है, मैं तो कहीं ना कहीं चिढ़ निकाल लूंगा। आप कार लाए, ये कार बढ़िया नहीं आई, आप ये लाए, ये बढ़िया नहीं आई, आपने यो किया, ये मुझे तो आपसे चिढ़ है, मुझे तो आपकी चीजों में कमियां निकालनी है, मैं तो निकालूंगा। विपक्ष पता क्या होता है कि कम से कम और कुछ नहीं तो जो सरकार अच्छे काम कर रही है उन पे तो हाँ की मोहर लगा दे, लेकिन सरकार अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, बस सरकार बुरा ही कर रही है, अच्छा तो कुछ कर ही नहीं रही, ये है विपक्ष का कहना। अभी यूपी के अंदर में उपचुनाव होने वाले हैं, 9 विधानसभा सीटों पर, क्या लगता है इन 9 सीटों में से एक आधी सीट शायद तुक्के से अखिलेश यादव पे चली जाए? तुक्के से क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल सर, चने चबा दिए हैं लोकसभा में,
मैंने क्या बताया सर, लोकसभा में चने चमवाने का कारण सिर्फ पता क्या था, आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे है, और फिर 8,500 कटाकट 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 कटाकट। अब वो जिन जिन स्टेट जिन जिन जगह पे कांग्रेस के एमपी बने हैं वहाँ वो 8,500 देना क्या हो गया, 8,500 देने चाहिए ना उन्हें, वहाँ तो एमपी बने हैं वो, अब कहाँ गए वो 8,500, जीत नहीं पाए क्या यार, जीत नहीं पाए फिर यार लॉलीपॉप क्यों दिया था 8,500 कटाकट कटाकट। तो जनता सिर्फ तीन जगहों पर बढ़ वो हुई है, कहीं आरक्षण खत्म ना हो जाए, कहीं संविधान बदलने आ जाए, और फिर अगर एक बात आई है आपको बिना करे 8,500 हर महीने खटाखट मिल जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पूरा जोर लगा रखा है, पूरा मंत्रिमंडल लगा रखा है 9 सीटों पर। अरे भाई साहब अरे हुए हैं कह रहे हैं। और अखिलेश जी ने अपनी अगली पिछली सारी जितने भी दम लगा सकते थे ना वो सारे लगा रखे हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि शायद तुक्के से एक आधी सीट मिल जाए तो उन्हें संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला।